हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। मेरा बेटा कबीर अब 2 इयर्स 10 मंथ्स का हो चुका है, बट आज भी जब हम उसके साथ ट्रैवल करते हैं, चाहे वो लोकल ट्रैवल करना हो या बाहर जाना हो हॉलीडेज पे, वी ऑलवेज प्रेफर कैरिंग अ डाइपर बैग। इसके दो मेन रीज़न है। सबसे पहला, अगर आपको इस तरीके का डाइपर बैग मिल जाए जो बैकपैक स्टाइल भी हो और टोट बैग स्टाइल भी हो, तो मम्मा और पापा दोनों ही इसे कैरी कर सकते हैं। और दूसरा, डाइपर बैग की डिज़ाइनिंग इस तरीके से करी जाती है कि आप काफ़ी ईजिली सारा सामान जो है बच्चे का वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो इन डिफरेंट सेक्शंस। सो फ्रॉम दीज टू पर्सपेक्टिव, हमें तो डाइपर बैग ही आज भी कैरी करना बहुत ईजी लगता है। इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे शेयर करती हूँ कि ये डाइपर बैग हमने कहाँ से लिया, क्या इसके की फीचर्स हैं, और मैं एज ऑफ टुडे कबीर के डाइपर बैग में क्या कैरी करती हूँ। तो गैस, ये डाइपर बैग हमने लिया है लवलैप से। ये आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह पे मिल जाता है। एंड मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। हमने लिया है ग्रीन कलर, और जो इसके जिपर्स हैं, ये सारे ही जिपर्स गोल्डन सिल्वरिश काइंड ऑफ कलर देते हैं, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है ये बैग। फ्रॉम अ प्राइस स्टैंड पॉइंट मैं बोल सकती हूँ कि ये काफ़ी अफोर्डेबल है। जो लोग हमें बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि जब कबीर का बर्थ हुआ था, तब से ही हम बैकपैक स्टाइल का ही डाइपर बैग कैरी कर रहे थे, बट वो डाइपर बैग इससे 5 times ज्यादा एक्सपेंसिव था। मैंने जब लास्ट इसका प्राइस चेक किया था अमेज़न पे, तो ये एमआरपी के ऊपर इस पे 32% डिस्काउंट चल रहा था। तो डिफरेंट डिस्काउंट्स चलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कहां से ले रहे हो, कब ले रहे हो। हमने इसको काफी ज्यादा यूज किया है अभी अपने रीसेंट ट्रैवल के लिए, और हम दोनों को ही ये कैरी करने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगा। आपके शोल्डर्स वगैरह बिल्कुल दर्द नहीं होते हैं, जो टिपिकली बैग्स में प्रॉब्लम आता है। अनदर थिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है इसका मटेरियल। तो ये सारा फैब्रिक मटेरियल है और ये वाटर प्रूफ फैब्रिक है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड द अदर थिंग इज द नंबर ऑफ पॉकेट्स। गाइज, इसमें 15 डिफरेंट पॉकेट्स दी गई हैं टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट थिंग्स जो बच्चों के साथ हमें कैरी करनी पड़ती हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि बच्चों के साथ हम कैरी करते क्या हैं। तो लवलैप के डाइपर बैग का मुझे एक इंटरेस्टिंग सेक्शन लगा, ये जो फ्रंट पॉकेट दी गई है, ये काफ़ी स्पेशियस है। जिप्स इसकी बहुत इजीली खुल जाती हैं, तो बिल्कुल अटकती नहीं है। यहाँ पे आप बेसिकली वो सामान रख सकते हो जो आपको इमिजिएटली चाहिए होता है, या आप हैंडी चाहते हो ताकि इमिजिएटली निकाला और ले लिया। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 पॉकेट्स जो इंसुलेटेड पॉकेट्स हैं, बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो बच्चे की दूध की बॉटल डालनी है, बच्चे की पानी की बॉटल डालनी है, वो आप यहाँ पे इजीली डाल सकते हो अगर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है। तो ये अभी बॉटल मैंने कबीर के लिए रखा है, ऑल दो वो अब ऑफ बॉटल होने ही वाला है, बट कभी कभी उसका मन कर जाता है कि नहीं मुझे बॉटल से ही पीना है, तो इसलिए मैं इमरजेंसी के लिए कैरी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने स्पून और एक फोक रखा हुआ है, जस्ट इन केस उसको कुछ खाना खाना होता है तो उसके लिए ईजी रहता है। फिर मैंने रखा है एक बिब, अगेन खाने के लिए कुछ भी, कार में भी अगर उसे भूख लग जाए तो क्विकली बिब डाल दिया और खिला दिया, कपड़े गंदे नहीं होंगे। और एक हैंड टॉवल रखा है जस्ट इन केस फेस वगैरह आपको इजीली क्लीन करना पड़ता है। उसके अलावा इसी पॉकेट के अंदर यहाँ पे भी एक छोटी पॉकेट दी गई है, जिसमें मैंने रखा हुआ है एक हैंड सैनिटाइजर, जो हमें हमेशा कैरी करना चाहिए। जस्ट इन केस हम हाथ नहीं धो पाएं तो एटलीस्ट सैनिटाइजर यूज करके आप बच्चे को फीड कर सकते हो। तो अब इस पॉकेट को करते हैं बंद और रेस्ट ऑफ द बैग को कवर करते हैं। इसके बाद साइड पॉकेट पे आ जाते हैं। तो ये जो एक साइड पॉकेट है, ये दी गई है वाइप्स के लिए, तो आप इजीली यहाँ वाइप्स रख सकते हो और इस तरीके से यहाँ से वाइप को पुल कर सकते हो। बच्चों के साथ हमें जनरली वाइप्स कैरी करना ही पड़ता है, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आपके पास अच्छा खासा पैकेट हो वाइप का। इसके बाद बैक साइड पे चलते हैं। तो बैक साइड पे भी 2 पॉकेट्स दी गई हैं, एक ये साइड पॉकेट है, अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं रखा है, बट जैसे आपका फ़ोन वगैरह है तो वो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो, प्लेस कर सकते हो, कुछ आपने डॉक्यूमेंट रखना है वो आप यहाँ रख सकते हो। और एक पॉकेट नीचे भी यहाँ पे दी गई है, अगेन आपको यहाँ पे भी कुछ ज़रूरी सामान रखना है तो आप ये यहाँ पे भी रख सकते हो। आप देख सकते हो मेरा पूरा हाथ जो है इस पॉकेट के अंदर चला गया, तो इतना अच्छा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। और अब आ जाते हैं अगली पॉकेट पे, ये भी एक साइड पॉकेट है, ये बच्चे के पानी की बॉटल रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कबीर की करंट फेवरेट सिपी कप को यहाँ पे रखा हुआ है, ये अगेन लवलैप का ही सिपी कप है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये BPA फ्री प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको मेजरमेंट मिल जाता है कि कितने ml क्वान्टिटी है यहाँ पे। तो जस्ट इन केस कभी होता है कि आपने बच्चे को जूस पिलाना है, आपको 150 ml से ऊपर बच्चे को जूस नहीं देना है डिपेंडिंग ऑन द एज, तो आप यहाँ पे मेजर करके बच्चे को वो चीज़ें दे सकते।
सकते हो। मुझे इसका निप्पल जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली ये कबीर ने खुद ही अपने लिए पिक किया था। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनकी अपनी चॉइसेस भी हो जाती हैं, तो उसको इससे पीने में बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल। इसमें जब मैं उसको पानी देती हूँ तो वो ज़्यादा पानी पीता है कंपेयर टू हिज अदर बॉटल, तो विच इज़ ओके टिल द टाइम इट्स सेफ, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो सक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एक बार सक करने से ही ईजिली उसको काफ़ी अच्छा क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड मिल जाता है। तो इसको अब रखते हैं अंदर, और इसी के साथ हमारी बाहर की पॉकेट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि बैग के अंदर हमें कितनी कैपेसिटी मिलती है। तो आइए अब बैग की इंटीरियर कैपेसिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि अंदर मैंने क्या क्या रखा है। तो इजीली जिप को ओपन किया, ये देखिए इस तरीके से बैग ओपन हो जाता है। बैग के दोनों साइड पर यहाँ पर वायर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जिस तरीके से ओपन हुआ है ये इसको होल्ड करता है, बैग बारी बारी बंद नहीं हो जाता, विच आई थिंक इज़ वेरी कन्वीनियंट। अब देखते हैं अंदर का सामान कैसे है। इसमें अंदर आपको एक बेबी चेंजिंग मैट भी मिलता है, जो मैंने अभी लगा दिया है बिकॉज कबीर की एज के लिए मुझे अब वो चाहिए नहीं, बट आपको एक वो भी मिलता है जस्ट इन केस आपका बेबी बहुत छोटा है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कुछ स्नैकर कबीर के लिए। इसमें है पिन्नी और इसमें है रोस्टेड कैश्यूज़, जो उसको खाना बहुत पसंद है। दोनों ही फिंगर फूड है, ईजिली वो खा भी लेता है, और विंटर का टाइम है तो थोड़ा सा ये अच्छा भी रहता है खाने के लिए। क्योंकि अब कबीर डाइपर फ्री हो गया है इसलिए मैंने उसके लिए अंडरवेयर रखी हैं, अदरवाइज मैं उसके लिए एक्स्ट्रा डाइपर्स कैरी करती। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं आप डाइपर कैरी करोगे, बट अगर बड़े हो गए हैं तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा अंडरवेयर कैरी करना है और एक्स्ट्रा पैंट्स कैरी करना है, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आपको पैंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने आराम से प्लेस करा हुआ है दो पेयर ऑफ एक्स्ट्रा पैंट्स और एक टी शर्ट। तो बेसिकली एक पूरा सेट ऑफ क्लोदिंग आपको चाहिए डेफिनेटली। और ये देख सकते हो आप बहुत इजीली ये कपड़े ठप के रखे हुए थे और वैसे के वैसे रहते हैं, तो स्पेस वाइज बहुत कन्वीनियंट है एक्स्ट्रा कपड़े रखना। अब बात करते हैं पॉकेट्स की। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी पॉकेट्स यहाँ पे अंदर दी गई हैं, तो आप इजीली डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट जगह पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जैसे आपको याद रहेगा कि क्या कहाँ पे पड़ा है। जैसे ये जो पॉकेट है यहाँ पे मैं रखती हूँ फेस क्रीम और कुछ इमरजेंसी की चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पे कबीर की फेस क्रीम रखा है बिकॉज बारी बारी अप्लाई करना पड़ता है। मैंने बैंडेड रखी है बिकॉज कभी बच्चों का पता नहीं होता है कब छोटी मोटी चोट लग जाए, बोरोलिन मैं अपने पास ज़रूर रखती हूँ, और एक नेज़ोक्लियर ज़रूर रखती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन आप कितनी देर के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा मेडिकेशन या जो भी फर्स्ट एड है वो रख सकते हो। अब इसी के नीचे यहाँ पे आपको एक बड़ी पॉकेट मिलती है। यहाँ पे मैंने कबीर के सनग्लासेस रखे हैं, उसको सनग्लासेस पहनने का आजकल बहुत शौक है, बट आप यहाँ पे कुछ भी और ज़रूरी चीज़ें रख सकते हो। आप देख सकते हो कितनी बड़ी पॉकेट है ये। साइड पे जो साइड में आपको पॉकेट दिख रही है, यहाँ पे मैंने कबीर का एक टॉय रखा है। बच्चों के साथ जब भी ट्रैवल करो, चाहे छोटा ट्रैवल हो चाहे बड़ा ट्रैवल हो, हमेशा उनके कुछ ज़रूरी टॉयज़ या फेवरेट टॉयज़ कैरी कर लो। कबीर को ये बॉब ट्रेन बहुत पसंद है, जो वो हर जगह लेके जाता है और फिर ट्रेन को रन करता है, तो ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पे भी एक पॉकेट आपको मिली हुई है, सिमिलर साइज की पॉकेट इस साइड पे है, बट अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं यहाँ पे रखने के लिए, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। फिर इस सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक बैकअप हैंड टॉवल रखा है, क्योंकि हैंड टॉवल बाई चांस भी गंदा हो जाए तो एक्स्ट्रा हमेशा रख लेना बहुत अच्छा होता है। बहुत सॉफ्ट हैंड टॉवल है ये, तो मैं कबीर के लिए यही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। फिर इस पॉकेट में है मेरे फ्रेंड्स जो कि है मस्कीटो रिपेलेंट जेल और सनस्क्रीन, जो मुझे लगता है कि उसकी स्किन की प्रोटेक्शन, उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये डेफिनेटली कैरी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज करके कबीर का सारा सामान जो मुझे चाहिए होता है वो यहाँ पे मुझे मिल जाता है। तो मैं दोबारा से इसको पैक कर लेती हूँ। गाइज ये तो था एक लोकल ट्रैवल के लिए, बट जैसे मैंने बताया कि अभी हम हॉलीडे पे गए थे जहाँ पे एयरपोर्ट पे हमने इस बैग को कैरी किया, फ्लाइट में कैरी किया, और रिजॉर्ट में भी इसको काफ़ी ज़्यादा हम बीच पे ले जाते थे, हर जगह ले जाते थे, तो हम काफ़ी सारा सामान इसमें डाल लेते थे, और उस पर्सपेक्टिव से हमें ये बहुत ही कन्वीनियंट लगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड बैग टू हैव। ये लवलैब का जो डाइपर बैग है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाके वो चेक कर सकते हो। एंड लाइक आई सेड कि आप लोगों की कलर चॉइस में भी डिफरेंस, सो आप डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिजाइंस जो है वो खुद ही जाके देख सकते हो। एंड नॉट टू फॉरगेट गाइस, इसमें आपको एडजस्टेबल स्ट्रैप्स भी मिलते हैं, तो ममा कैन एडजस्ट इट एज पर हर कंफर्ट एंड डैडी कैन एडजस्ट इट एज पर हिज कंफर्ट। नाउ आई एम ऑल सेट टू गो
and have a happy time with my baby. Bye-bye. So guys, that's about it for this video. I hope आपको ये helpful लगा. ये जो bag है आप newborn baby से लेके काफ़ी अच्छी age तक के बच्चों के लिए use कर सकते हो. हमने बीच में traditional handbag भी use करके देखा जब हमारा पुराना जो bag है वो फट गया था, तो बीच में हमने use करके देखा, but that was not comfortable at all. हर चीज़ जो है वो mix-up हो जाती थी. बच्चे जब उनको कुछ चाहिए होता है वो इतना time ही नहीं देते हैं कि आप चीज़ों को निकाल के उनको आराम से ढूंढ के दो. तो इसीलिए it's a very good idea to carry a diaper bag which has well designed sections for everything, just makes life so easy. आप में से काफी लोगों ने हमारे ट्रैवल ब्लॉग में पूछा था अबाउट दिस डायपर बैग एंड वी वांटेड टू शेयर दिस वीडियो ओनली बेसिस आवर रियल एक्सपीरियंस व्हिच वी हैव शेयर्ड विद यू नाउ. सो इफ यू डिड लाइक इट प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल. लिंक्स फॉर ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. बाय बाय.